आइए, आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में, देखे और सीखे द नीटिंग चैनल में। मैं आज आपके लिए एक फ्लावर डिज़ाइन लेके आई हूँ जो कि आप सबने देखा है, मैंने उसमें पिक लगाया। तो देखिए इस तरह से बन के आएगा, बहुत बड़ा सा फ्लावर है। आप इस तरह से बना के फिर इसमें डिज़ाइन बनेगी और इसे जोड़ जोड़ के आप एक चादर बना सकती है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारा सा एक बेडशीट बनेगा आपका। तो इसके लिए कौन कौन से कलर लगेंगे और कितने नंबर क्रोशिया, मैं वो बता देती हूँ। और उससे पहले, अगर आप सबको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर दें। कुछ लोगों को मेरी वीडियो पसंद नहीं आती, तो जिन्हें पसंद नहीं आती वो मेरे चैनल को ना देखें, और भी चैनल हैं, आप जाके देख सकती हैं उसे। ज़्यादा इंग्लिश में लिखते हैं इसीलिए कहती हूँ, अगर आपको ज़्यादा ही समझ में आता है इंग्लिश तो आप विदेशी चैनल देखें, आप हिंदी चैनल क्यों देखती हैं? बार बार मेरे चैनल में कमेंट करके मुझे जताती हैं कि आप अच्छा नहीं बनाती है, तो आप क्यों देखती हैं बार बार मेरे चैनल को, आपको पसंद नहीं आता है? तो मैंने तो नहीं कहा मेरे चैनल देखिए, जिन्हें पसंद आता है वो देखिए, जिन्हें नहीं पसंद आता और भी चैनल है, देख सकते हैं यूट्यूब में। चलिए तो शुरू करते हैं इसे बनाना। क्रोशिया नंबर हम यहाँ पे 12 लेंगे, और अगर आपके पास 12 नंबर क्रोशिया नहीं है तो 3 mm क्रोशिया भी बना सकते हैं आप। और यहाँ पे लेंगे हम 4-ply ऊन। देखिए मैं कास्मिलोन की लेती हूँ, अक्सर इसी का मैं बनाती हूँ, और इसका वेट है 23 ग्राम लगभग। तो मैं इसी तरह का ऊल का जो भी डिज़ाइन बनाना रहता है मैं इसी से लेती हूँ। तो देखिए कि कितने कलर हमें चाहिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1 ग्रीन, 7। टोटल हमारे 7 रंग लगेंगे। आपके पास जो भी बचे कुछ ही ऊल है आप उससे भी इसे बना सकती हैं। तो मेरे पास थोड़े थोड़े थे, ज़्यादा थे नहीं, इसलिए मैंने नए गोले निकाले हैं। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं बनाना। तो सबसे पहले हम वाइट लेंगे, और वाइट लेने के बाद सबसे पहले हम 8 चेन बनाएंगे, यानी 8 चेन बनाना हमें। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सबसे पहले वाली चेन में हम इस तरह से लेंगे, स्लिप स्टिच से इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। अब यहाँ पे हमें पफ बनाना है इसके बीच में, क्रोशिया पे धागा लेंगे और इसे भी एक पफ काउंट करेंगे हम। एक बार निकाला, ये 2 बार, यानी 3 बार निकालना है हमें। तो एक हमने यहाँ जो चेन बनाया इसे भी काउंट करेंगे, तीनों को फंदे एक साथ निकाल देंगे हम इस तरह से। यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। फिर क्रोशिया पे धागा लेंगे और यहाँ पे फिर से पफ बनाएंगे। तो देखिए 3 बार निकालेंगे इस बार, क्योंकि यहाँ पहले हमने चेन बनाया था तो उसे भी काउंट किया, 1, 2 और ये 3। इस तरह से लेंगे। अब देखिए 1-2 फंदे बाद में निकालेंगे हम। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। इसी तरह से करते हुए हमें इसमें 8 बार बनाना है। देखिए जैसे मैंने यहाँ बनाया है इस तरह से आपको पफ बनाना है। तो चलिए पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, 8 पफ बनाने हमें इसके अंदर। फिर इसी तरह से कर लेती हूँ, फिर दिखाती हूँ। तो देखिए हमने ये 8 पफ बना लिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। फिर यहाँ से 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद इसके टॉप में यहाँ पे जोड़ देंगे हम। स्लिप स्टिच से जोड़ेंगे, पहले फंदे से निकाल लेंगे हम इसे और यहाँ पे धागा कट कर देंगे। इस तरह से अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे, तो यहाँ से हम ऑरेंज कलर लगाएंगे। अब यहाँ पे देखिए इसके बीच में जहाँ हमने 3 चेन लिया था यहाँ पे डालेंगे इसे, ऐसे जोड़ते हुए 2 चेन बनाएंगे हम इसके बीच में, 1, 2। इसे भी हम काउंट करेंगे, एक पफ काउंट करेंगे इसमें। तो देखिए इस तरह से डालेंगे और यहाँ पफ बनाएंगे, 1 और ये 2। तीनों फंदों को एक साथ निकाल देंगे हम इस तरह से।
और सेम इसी जगह एक पफ और बनाएंगे। तो यहाँ पे दो चेन ले लेंगे, नीचे हम तीन चेन लिए, यहाँ पे दो चेन लेंगे, एक और ये दो, फिर इसी तरह से पफ बनाएंगे। एक दो और ये तीन, लास्ट के दो फंदे बाद में निकालेंगे हम इस तरह से। तो इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे। फिर दो चेन लेंगे, वन टू, फिर हम यहाँ पे डालेंगे, एक बार निकाला, दो और ये तीन, तीन बार निकालना है हमें सारे फंदों को इस तरह से, देखिए। फिर दो चेन लेंगे, वन टू, फिर सेम इसी जगह पे डालेंगे और एक पफ बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए पूरी रो कंप्लीट करेंगे, हर जगह पे दो दो करके बनाना है। तो देखिए ये राउंडिंग कंप्लीट हो गई, यहाँ से दो चेन लेंगे, वन और ये टू, सबसे टॉप में जोड़ेंगे यहाँ पे और यहाँ से धागा कट कर देंगे। इस तरह से फिर से वाइट जोड़ेंगे हम। गांठ भी लगा सकते हैं या तो फिर ऐसे भी रख सकते हैं, क्योंकि क्रोशिया बुनाई खुलती नहीं है। तो इसके बीच में डालेंगे, जहाँ ये है यहाँ छोड़ देंगे हम, कहीं भी डालेंगे इसके बीच से। यहाँ डालेंगे, थ्री चेन लेंगे हम, अब देखिए यहाँ हमने पफ डिज़ाइन बनाया, अब यहाँ हम पॉपकॉर्न डिज़ाइन बनाएंगे। तो किस तरह से बनाना है देखिए, टू और ये थ्री, यहाँ डबल क्रोशिया करेंगे हम, इसे पॉपकॉर्न डिज़ाइन कहते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको, इसे भी है एक डबल क्रोशिया काउंट करेंगे, वन टू डबल क्रोशिया हो गया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया। अब देखिए इसे इस तरह से घुमाएंगे और जो हमने पहला वाला चेन लिया हुआ है यहाँ पे इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और इसे इस तरह से लेते हुए पहले चेन से निकाल देंगे स्लिप करते हुए, इस तरह से। ये हम पॉपकॉर्न डिजाइन इसे कहते हैं। अब यहाँ से थ्री चेन लेंगे, वन टू और ये थ्री। अब ये जो अगला गैप है फिर यहाँ हम इसी तरह से बनाएंगे, फाइव डबल क्रोशिया बनाना है, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया। तो देखिए हमने फाइव डबल क्रोशिया कर लिया, फिर क्रोशिया पे ही धागा रखेंगे और इस तरह से मुड़ जाएंगे। और जब से पहला डबल क्रोशिया जो हमने बनाया हुआ है देखिए, इसमें इस तरह से डालेंगे, स्लिप करते हुए पहले फंदे से निकाल लेंगे इस तरह से, और फिर यहाँ थ्री चेन बनाएंगे इधर घूमते हुए, वन टू और ये थ्री। फिर हम अगला पॉपकॉर्न यहाँ बनाएंगे, सेम इसी तरह से करते हुए हर एक गैप में हमें एक एक पॉपकॉर्न बनाना है, जैसे यहाँ बनाया, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे। जैसे मैंने ये पिंक बनाया हुआ है, तो चलिए ये राउंड कंप्लीट कर लेते हैं। ये हमारी तीसरी राउंड है, वन टू ये थ्री, ये थ्री राउंड चल रही है हमारी। तो देखिए ये पूरा राउंड कंप्लीट हो गया, यहाँ हमने थ्री चेन बना लिया और यहाँ टॉप पे इस पर जोड़ेंगे यहाँ पे स्लिप स्टिच से, और यहाँ से ये धागा कट कर देंगे। अब यहाँ से हम अलग कलर जोड़ेंगे इस तरह से, बन गया। अब हम लेंगे ये हल्के पिंक कलर, देखिए तो देखिए अब यहाँ से हम जोड़ेंगे, जहाँ हमने धागा कट किया है यहाँ पे लेंगे, इस तरह से जोड़ा और एक चेन से इसे बांध देंगे। इस तरह से इसे टाइट कर ले जरा। फिर यहाँ से क्रोशिया लेंगे, क्रोशिया पे धागा, और यहाँ पे देखिए चार डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे,
एक डबल क्रोशिया, दो डबल क्रोशिया, तीन डबल क्रोशिया और ये चार डबल क्रोशिया। अब यहाँ सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ लेंगे जहाँ पॉप बनाया हुआ है। देखिए यहाँ पर हम इसे सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ेंगे इस तरह से। अब हर चेन में हमें जितने भी यहाँ बना हुआ है सभी में हमें इसी तरह से बनाना है, चार डबल क्रोशिया करके, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया और ये फोर डबल क्रोशिया। फोर डबल क्रोशिया करेंगे और उसके बाद हम यहाँ पे जोड़ लेंगे सिंगल क्रोशिया से। इसी तरह करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। इसे ज़्यादा सिंगल क्रोशिया जो करेंगे उससे ज़्यादा छोटा नहीं करेंगे, हल्का सा लंबा ही रखेंगे इस तरह से, ताकि हल्का सा कट यहाँ पे दिखे। तो इसी तरह से करके पूरा राउंड कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर यहाँ आके जोड़ेंगे। और धागा कट नहीं करना है, ये धागा भी यूज़ होगी। तो देखिए हमने ये चार डबल क्रोशिया यहाँ भी कर लिए। अब यहाँ जहाँ हमने यह बनाया हुआ है ये सिंगल क्रोशिया जो, इसमें इस तरह से डालेंगे और इसे यहाँ पे जॉइंट कर लेंगे। एक चेन लेंगे और जो हमने सिंगल क्रोशिया से बार बार आके जोड़ रही हूँ, अब इस क्रोशिया को पीछे ले जाएंगे। अब पीछे ले जाते क्रोशिया किस तरह से डालेंगे देखिए, और इधर से निकालेंगे यहाँ से धागे को खींचते हुए यहाँ पे लाएंगे हम। अब यहाँ से हम चार चेन बनाएंगे देखिए, वन, ये जो सिंगल क्रोशिया है इसमें घुमाते हुए हमें चार चेन बनाना है देखिए, टू, थ्री और ये फोर। फिर दिखाती हूँ अगला जो सिंगल क्रोशिया है हमने यहाँ जोड़ा था पॉपकॉर्न में देखिए, ये अब क्रोशिया यहाँ से डालेंगे देखिए, और इधर से निकालते हुए पीछे साइड से हम यहाँ इसे जोड़ लेंगे इस तरह से देखिए। फिर लेंगे हम यहाँ से चार चेन, वन, टू, थ्री और ये फोर चेन लिया हमने। अब देखिए यहाँ फिर देखिए पॉपकॉर्न में जो हमने सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था इसमें क्रोशिया बिना धागा लिए इस तरह से डालेंगे हम यहाँ पे इस सिंगल क्रोशिया पे, और इसे निकालते हुए हम ये जो हमने डिज़ाइन बनाया यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर से एक बार दिखा देती हूँ आपको, वन, टू, थ्री और ये फोर, फोर चेन लिया हमने। फिर देखिए पॉपकॉर्न में जो हमने सिंगल क्रोशिया से जोड़ा हुआ है ये देख रहे हैं, इसमें हम इस तरह से क्रोशिया डालेंगे देखिए, और क्रोशिया पीछे की ओर ले जाएंगे और यहाँ पे से जोड़ लेंगे इस तरह से। इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे हम। तो देखिए हमने यहाँ पे फोर चेन बना लिया है। फोर चेन बनाने के बाद यहाँ इसे हम ज्वाइंट कर लेंगे जहाँ हमने इसे जोड़ा है, इस तरह से डालेंगे और इसे जोड़ते हुए धागे को कट कर लेंगे। अब यहाँ धागा कट करके इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे अलग धागा लगाएंगे। अब यहाँ पे लगाएंगे पिंक कलर, डार्क पिंक, जहाँ हमने सिंगल क्रोशिया बनाया है सेम इसी जगह पे क्रोशिया डालेंगे। जितना बड़ा बनाना चाहते हैं आप इसी तरह से बनाते जाएंगे तो बहुत बड़ा सा बन जाएगा, इसी तरह से थालपुस भी बन जाएगा आपका, बहुत ही प्यारा सा खूबसूरत सा। तो देखिए मैंने इसे यहाँ पे जोड़ लिया। अब देखिए अगली बार हमने चार डबल क्रोशिया बनाया था, एक, दो, तीन, चार, अब इस बार पाँच बनाएंगे, फिर उसके अगले बार छः, फिर उसके अगले बार सात। जब सातवां लाइन बनाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट है, वहाँ आपको दिखाऊंगी। अभी इसी तरह से सिक्स लाइन कंप्लीट करना है आपको। तो देखिए यहाँ हमने सिंगल क्रोशिया किया, अब यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे फाइव बार, वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया और ये फाइव डबल क्रोशिया। फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ेंगे देखिए,
यहाँ पे डालेंगे जहाँ हमने ज्वाइंट किया हुआ था। यहाँ इस तरह से लेना है, सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। फिर से इसी तरह से 5 डबल क्रोशिया करेंगे यहाँ पे, 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया और ये 5 डबल क्रोशिया। और यहाँ पे हम सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ लेंगे। सिंगल क्रोशिया से हमें यहाँ जोड़ना जहाँ ये जॉइंट किया हुआ है यहाँ पे। तो इसी तरह से करते हुए राउंड कंप्लीट करेंगे। और देखिए यहाँ हमने 4 चेन बनाया हुआ था। फिर ये डिज़ाइन कंप्लीट होने के बाद पीछे से फिर हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। तो यहाँ पे 5 चेन देंगे इसमें इस कलर से। तो चलिए ये राउंड पूरा कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए ये राउंड भी कंप्लीट हो गया। तो जहाँ सिंगल क्रोशिया बनाया हुआ था चेन, हमने यहाँ पे इसे जोड़ लिया। एक चेन लेंगे यहाँ पे और ये जो सिंगल क्रोशिया दिख रही है यहाँ पे इस तरह से डालेंगे क्रोशिया और इधर से निकालेंगे, यहाँ पे बांध लेंगे। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो यहाँ से धागा कट करके यहाँ से बना सकते हैं इस तरह से। तो देखिए अब यहाँ इसमें हमने जहाँ बनाया हुआ था पीछे से चेन हमने 4 लिया था, अब यहाँ पे 5 लेंगे, उसके बाद 6 लेंगे। तो देखिए यहाँ पे 5 लेंगे, 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर यहाँ पे सिंगल क्रोशिया जो है ये यहाँ पे डालेंगे इस तरह से और यहाँ जोड़ लेंगे। फिर इसी तरह से लेंगे 1, 2, 3, 4 और ये 5। फिर अगले फ्लावर में जो हमने सिंगल क्रोशिया जोड़ा हुआ था सेम इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और यहाँ पे निकाल लेंगे इसे इस तरह से। किसी तरह से ये राउंड पूरे कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ इसे छोड़ेंगे। अब देखिए मैं यहाँ से आपको दिखा देती हूँ। अब जब इसका अगला राउंड स्टार्ट होगा तो देखिए मैंने कितना बना लिया है पहले वो देख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 ये 5वां राउंड और यह हमारी 6ठी राउंड बन रही है। देखिए यहाँ से 1, 2, 3 और ये 4, ये 5, ये 6। 6 राउंड में देखिए हमने कितनी चेन डाली हुई है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 डबल क्रोशिया बनाना है। यहाँ हमने 5 बनाया, सबसे पहले तो यहाँ 4 बनाया, फिर 5 बनाया, फिर 6 बनाएंगे और लास्ट में जब 7 बनाएंगे, देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, यहाँ 6 है, जब 7 बनाएंगे, 7 थोड़ा सा डिफरेंट बनाना है क्योंकि 7 बनाने के बाद हमें ये धागा खींच के लाना है और ये पॉपकॉर्न डिज़ाइन के अंदर से पार करते हुए डबल क्रोशिया बना के फिर से हमें 7 डबल क्रोशिया करना है। तो देखिए जैसे मैंने ये बनाया सेम आप इसी तरह से बनाएं लगभग 6 लाइन तक। उसे दिखा देती हूँ, 1, 2, 3, 4, 5 राउंड हम बनाएंगे। 6 राउंड में हम कितने चेन देंगे, यहाँ पे हमारे 5 डबल क्रोशिया है, 6 डबल क्रोशिया देंगे। तो यहाँ पे दिखा देती है, इसी तरह से 6 डबल क्रोशिया करेंगे। 7वीं लाइन में भी जब हम ये आएंगे ये राउंड पूरा करने के बाद, यहाँ 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, ये राउंड कंप्लीट करेंगे। उसके बाद फिर हम अगले में 6 चेन देंगे। यहाँ पे हमने 5 चेन दिया, सबसे पहले हमने यहाँ 4 चेन दिया था, फिर यहाँ पर 5 चेन दिया, फिर अगले राउंड में 6 चेन देंगे। इसी तरह से जितने फ्लावर आपको अगर इसी तरह से बड़ा बनाना है तो उसी तरह से चेन आप यहाँ पे ज़्यादा देते जाएं और डबल क्रोशिया भी एक एक करके हर लाइन में बढ़ाते चले जाएं। जैसे यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 होगी, फिर 7, फिर 8, फिर 9, 10, आप जितना बड़ा बनाना चाहते हैं इसी तरह से गोल में अब बना सकती हैं। तो चलिए मैं ये 6 राउंड भी कम्प्लीट कर लेती हूँ और 7th राउंड जब आएंगे ये वाला फिर मैं आपको दिखाती हूँ। समझ में आ गया होगा आपको। यहाँ पे 5 चेन दिया, फिर यहाँ पे करेंगे 6 चेन, 6 डबल क्रोशिया डालेंगे, फिर अगले में पूरा कर लेती फिर दिखाती हूँ आपको। तो देखिए हमारी ये राउंड भी कंप्लीट हो गई। तो कितने राउंड हमने कंप्लीट कर लिया, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब 7 राउंड। तो यहाँ पे देखिए मैंने 6 चेन लगाया हुआ है लास्ट में जब ये राउंड कंप्लीट करने के बाद। यहाँ पे हमने 5 चेन लगाया हुआ था अंदर की ओर ये वाला, अब ये 6 चेन बनाया हमने। अब यहाँ से देखिए जहाँ सिंगल क्रोशिया है यहाँ पे इसे जोड़ेंगे, किस तरह से करना है वो देखिए। सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ेंगे हम यहाँ। अब यहाँ पे देखिए इसमें हमने 6 डबल क्रोशिया बनाया था, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अब यहाँ पे हम 7 डबल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पे 7 डबल क्रोशिया बनाना है हमें। वन डबल क्रोशिया, टू डबल क्रोशिया,
थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, सिक्स डबल क्रोशिया और ये सेवन डबल क्रोशिया। इस तरह से वन वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सॉरी सिक्स हुआ, एक और करना है हमें, ये सेवन डबल क्रोशिया हो गया इस तरह से। और सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ेंगे हम, देखिए यहाँ पे जहाँ सिंगल क्रोशिया से बार बार जोड़ते हैं वहाँ सिंगल क्रोशिया से इस तरह से जोड़ेंगे हम। अब देखिए क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे जैसे हम डबल क्रोशिया बनाते हैं, क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेना है। और जो हमने ये देखिए इसी के सेंटर पे ये हमारा पॉपकॉर्न डिज़ाइन है, तो इस पॉपकॉर्न डिज़ाइन से हमें बुनाई करना है। देखिए इस तरह से पकड़ेंगे क्रोशिया और यहाँ इस पॉपकॉर्न को इस तरह से पकड़ेंगे, पूरा पकड़ना है पॉपकॉर्न को। क्रोशिया यहाँ से डालेंगे, देखिए यहाँ से डालना है और इस साइड से निकालना है यहाँ पे, और निकालते हुए धागे को खींचते हुए लंबा खींचेंगे, इतना लंबा खींचना है धागे को। फिर इसे इस तरह से डबल क्रोशिया यहाँ पे इसे बना लेंगे। बनाने के बाद फिर देखिए यहाँ गैप आई, फिर यहाँ पे हम सेवन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन डबल क्रोशिया, फिर इसी तरह से सेवन करना है, टू डबल क्रोशिया, थ्री डबल क्रोशिया, फोर डबल क्रोशिया, फाइव डबल क्रोशिया और ये सिक्स डबल क्रोशिया और ये सेवन डबल क्रोशिया। सेवन डबल क्रोशिया करने के बाद हम यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए फिर से हम इसी तरह से करेंगे, क्रोशिया पे इस तरह से धागा लेंगे और ये जो पॉपकॉर्न है हम इस तरह से पकड़ेंगे इसे, इधर से क्रोशिया डालते हुए इधर निकाल लेंगे इसे, हमें बस इस तरह से डालना है निकालना है इस तरह से। देखिए फिर से दिखा देती हूँ आपको, क्रोशिया इस तरह से लेना है, यहाँ डालेंगे और इस साइड निकाल लेंगे और यहाँ से धागा खींचते हुए डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा को लंबा खींचेंगे हल्का सा, अब यहाँ पे डबल क्रोशिया बना लेंगे इस तरह से। देखिए इसी तरह से पूरा राउंड कंप्लीट करना है आपको, और इसके पीछे किस तरह से बनाना है मैं वो आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से बनाना है और पत्ते किस तरह से बनाने हैं। जैसे मैंने इसमें पत्ते बनाए हैं, साथ में इसी में जोड़ते हुए मैंने पत्ते बनाए हैं। ये राउंड कंप्लीट ख़त्म होने के बाद देखिए मैंने जैसे यहाँ पे सिक्स चेन लगाया हुआ है, ये राउंड ख़त्म होने के बाद इसमें चेन बनाएंगे, इसी चेन इसी कलर से सेवन चेन बनाएंगे। उसके बाद ये पत्ते बनेगी, पत्ते बाद में बनेगी, फिर हम ये बनाएंगे नीचे का डिज़ाइन। देखिए ये जो हम बना रहे हैं ये बनाएंगे, उसके बाद ये पत्ते बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पे भी धागा कट करके छोड़ दिया है आपको आगे बताने के लिए। तो यहाँ से हम धागा जोड़ेंगे देखिए, और यहाँ से हम सेवन चेन बनाएंगे। ये पहले एक चेन बना चुकी, टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, फिर यहाँ पे जोड़ेंगे इसके अगले में, यहाँ पे जोड़ना है हमें इस तरह से। क्रोशिया लेंगे इसके पीछे की ओर से इस तरह से सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेना है, फिर सेवन चेन लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, सिक्स और ये सेवन, सेवन चेन लिए, फिर हम इसी तरह से जोड़ेंगे। देखिए इधर पलटेंगे, देखिए यहाँ छोटा सा दिख रहा है, सबसे छोटा डबल क्रोशिया यानी सिंगल क्रोशिया जो है उसमें हम इस तरह से जोड़ेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, फिर हम इसी तरह से यहाँ पे जोड़ेंगे सबसे लास्ट में यहाँ पे। अब धागे को हम यहीं छोड़ देंगे इसे। अब देखिए यहाँ से हम ग्रीन कलर लगाएंगे, गांठ लगा लेते हैं ग्रीन कलर में पहले,
जहाँ से हमने यहाँ से शुरू किया है, देखिए यहाँ से लेंगे हम, यहाँ पे डालेंगे इसे क्रोशिया, यहाँ इसे हमने ज्वाइंट किया। अब यहाँ पे हम 8 चेन बनाएंगे। सबसे पहले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 चेन बनाया। सेम इसी जगह पे डालेंगे और इसे जोड़ लेंगे हम सिंगल क्रोशिया से, इस तरह से डालेंगे और सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ लेंगे। अब यहाँ से 2 चेन लेंगे, देखिए 1, 2। अब ये जो है, जो हमने यहाँ पे 7 चेन लिया था, इसके बीच में यहाँ पे जोड़ेंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया से, हल्का सा थोड़ा सा इस तरह से रखें, ये हो गया। फिर यहाँ से 2 चेन लेंगे, 1, 2। अब देखिए यहाँ पे जोड़ेंगे इसके गैप में, यानी ये दो फ्लावर के बीच में हमारे ये डिज़ाइन बन के कम्प्लीट होना चाहिए। तो एक ये हो गया, एक डबल क्रोशिया हमने यहाँ बनाया 7 डबल क्रोशिया, अब ये 7 डबल क्रोशिया में फिनिश हो जाना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बनाया मैंने एक डिज़ाइन, यहाँ एक डिज़ाइन पड़ेगी, पत्ते पड़ेंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया लिया, यहाँ इसे ज्वाइंट किया, फिर 2 डबल क्रोशिया लिया, अब यहाँ ज्वाइंट करेंगे इसके बीच में इस तरह से। अब यहाँ से 2 डबल क्रोशिया लेंगे, सॉरी 2 चेन लेंगे, 1, 2। अब जो ये जहाँ हमने ये ज्वाइंट किया हुआ है, देखिए ज्वाइंट देख रहे हैं, इस ज्वाइंट से लेके इस ज्वाइंट तक एक डिज़ाइन कंप्लीट होगी। फिर यहाँ हम ज्वाइंट करेंगे इसे 2 चेन लेने के बाद। अब यहाँ से फिर से हम 8 चेन लेंगे, ताकि पत्ते फिर हमारे यहाँ बनेंगे, 2 पंखुड़ी के बाद 1 पत्ते बनेंगे। टोटल देखें हमारे कितने पत्ते बने हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और एक यहाँ बनेगी 8, वो मैं आपको दिखा दूँगी कि किस तरह से बनेगी। फिर यहाँ से देखिए 8 चेन लेंगे, यानी 8 चेन लेना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये 8 8 चेन हो गया। और फिर हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ेंगे। फिर इसी तरह से करेंगे, 2 चेन लेंगे, 1, 2। फिर ये अगले वाले जो हमारे ये 7 डबल क्रोशिया, ये नेक्स्ट के लिए यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। देखिए ये 1 और 2 फ्लावर के बीच में 2 पत्ते आएंगे। सबसे पहले हमने यहाँ जोड़ा, देखिए समझ में आ गया होगा आपको। तो चलिए पत्ते में बनाने दिखा देती हूँ आपको कि किस तरह से पत्ते बनाने हैं। देखिए जब आप इस तरह से पूरा डिज़ाइन कंप्लीट कर लें, उसके बाद लास्ट में जब हम यहाँ आएंगे तो इस तरह से लेंगे, यहाँ पे 2 चेन लेंगे। 2 चेन लेने के बाद देखिए ये जो यहाँ पे है हमारा ये गैप बना हुआ है, यहाँ पे हम डबल क्रोशिया करेंगे। देखिए इस तरह से 1 डबल क्रोशिया, 2, 3, 3 हो गए, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया, 7 डबल क्रोशिया और ये 8 डबल क्रोशिया, यानी 8 बार बनाना है हमें डबल क्रोशिया। फिर यहाँ से देखिए 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3। 3 चेन लेने के बाद देखिए यहाँ पे हम इसे जोड़ेंगे, यहाँ से क्रोशिया डालेंगे इस तरह से और इसे स्लिप करते हुए पहले फंदे से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर से हम 8 चेन इधर भी बनाएंगे, देखिए 1 डबल क्रोशिया, इधर 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, 5 डबल क्रोशिया, 6 डबल क्रोशिया,
सेवन डबल क्रोशिया और ये एट डबल क्रोशिया इस तरह से। अब यहाँ से देखिए हम ये जो डबल क्रोशिया हमने यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से हमने यहाँ जोड़ा हुआ था, अब इसे यहाँ पे लाके इसे सिंगल क्रोशिया से यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे हम। तो देखिए सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ेंगे हम जहाँ हमने यहाँ जोड़ा हुआ था, यहाँ सिंगल क्रोशिया से जोड़ेंगे इसे इस तरह से। फिर टू चेन लेंगे, वन टू, टू चेन लेने के बाद देखिए हम यहाँ पे जोड़ेंगे अब इसे, फिर से अब हम यहाँ पे टू चेन लेंगे, सॉरी अब टू चेन नहीं लेना है, यहाँ फोर पत्ते बनाने के बाद हमने सिंगल क्रोशिया से यहाँ जोड़ा, फिर टू चेन लिए, फिर यहाँ जोड़ा, अब यहाँ इस तरह से लेते हुए फिर गैप आएगी आपकी, तो इस तरह से फिर लेते हुए फिर यहाँ पे एट डबल क्रोशिया करेंगे, उसके बाद फिर इस तरह से बनाएंगे ये डिज़ाइन। देखिए तो इसी तरह से ये कम्प्लीट हो जाएगी, देखिए अब बन के बहुत ही खूबसूरत आएगा। और कैसा लगा आज का डिज़ाइन आपको हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ, अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ना लगे तो डिसलाइक दे दें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक यू।